इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूँ कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। 8,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है। इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूँ कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। एक, पहले हमारी सरकार बनने के पहले 12 महीने सफाई कर्मचारी केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे रहते थे। 12 महीने हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। दूसरा, 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को, काफ़ी हैं तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे जरूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। आम आदमी पार्टी को बने हुए 12 साल हो गए, आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है, ऐसे ही नहीं करता भगवान, गलत तो नहीं करा। तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया, कुछ तो सोच के किया होगा। भगवान को भी लग रहा होगा भाई संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। अच्छा, और बड़ी 3 बातें बड़ी है। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसके बाप दादा पड़दादा कोई नेता हो कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सारे आम लोग थे। हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, आगे 12 साल बीत गए, 12 साल में काफी कुछ हासिल किया। तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी। दूसरा, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह, तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की, ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है, पूरे देश को साफ करो। तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है ये संघर्ष, तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 MLA आ गए, गोवा में MLA आ गए, कश्मीर में MLA आ गए, यहां मेयर बन गए, वहां मेयर बन गए, यहां पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है। आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को, उनके परिवार का सदस्य बनके, उनका दोस्त बनके, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया, उनके बच्चों, कोई आदमी क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिखे हैं, यही चाहता है ना। बच्चों के लिए आदमी एक टाइम की पेट रोटी भी छोड़ देता, पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़ा, हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता घर में कोई बीमार हो जाए उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। तो एक तरफ हमने ये सब करा, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर नहीं होने दिया। हमने दिल्ली में मेट्रो, जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई, 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा। तो ये जो मॉडल दिया हमने गवर्नेंस का, भी एक तरफ आम आदमी की जिंदगी में सुविधा दी, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और तीसरी तरफ ये सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इस दौरान जैसा भी संदीप जी ने कहा, ढेरों ढेरों ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे, कहां से आया ये जुनून,
एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, वो कह रहे थे केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं है, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना या मंत्री बनाना या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, देशभक्ति की भावना से काम करता है। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है। इसलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते, दूसरी पार्टी वाले तो मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनखा भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने, हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं, ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी बस जाने वाली आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को, उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सत्येंद्र जैन गए, जेल संजय सिंह गए,